We will start chapter number 30, and the chapter number 30 is Poetry Corner. Okay, so हमें क्या करना है, हमें ये कुछ famous poetry की lines दी हुई हैं, कुछ poems से ये line है, हमें इनको इनके poets के साथ connect करना है जिन्होंने इन्हें लिखा है. तो सबसे पहली हमारी lines of poetry हैं, I shall be telling this with a sigh somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by. And that has made all the difference. ये poem लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने और इस पोयम का टाइटल है द रोड नॉट टेकन. ओके बच्चों, सेकंड देखते हैं. बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हरसेल्फ स्टॉप हेयर और जेंटली पास. और ये पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी हुई और इस पोयम का टाइटल है द सॉलिटरी रीपर. नाउ द थर्ड वन इज आह वेल अ डे व्हाट इविल लुक्स हैड आई फ्रॉम ओल्ड एंड यंग इंस्टेड ऑफ द क्रॉस द एल्बाट्रॉस अबाउट माय नेक वाज हंग. और इस पोयम का टाइटल है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर बाय सैमुअल टेलन कॉलरिज. इस पोयम के पोएट हैं सैमुअल टेलन कॉलरिज. ओके बच्चों, तो अब देखते हैं नंबर 4. लाइटली ओ लाइटली वी बेयर हर अलोंग शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग. She skims like a bird on the foam of a stream. She floats like a laugh from the lips of a dream. और ये poem है Palanquin Bearers by सरोजनी नायडू ने इसको लिखा था. Okay? Now number 5 is ghastly grim an ancient raven wandering from the nightly shore. Tell me what thy lordly name is on the night's Plutonian shore. Or is poem ka title hai The Raven by Edgar Allan Poe. Okay bacho, to ye yaha par kuch famous poetry lines hai aur yaha ye bataya gaya hai ki inke poet kaun hai aur in poems ke titles kya hai. To aap please इन्हें लर्न जरूर कर लीजिए. ओके, और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू.